नमस्कार, मैं हेमंत मलिक अपने चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय हेमंत मलिक पर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि मैं तुलसी के पौधे के बारे में बताऊं कि तुलसी का रखरखाव कैसे करा जाता है, तुलसी क्या होती है। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सभी घरों में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है। तो तुलसी के बारे में अगर मैं आपसे बातें करूं तो तुलसी मुख्य तौर पर चार प्रकार की पाई जाती है। एक होती है रामा तुलसी, जैसी आप ये देख रहे हैं, इसकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। दूसरी होती है श्यामा तुलसी, श्यामा तुलसी की पत्तियों का रंग हल्का सा लाल होता है, उसकी मंजरी भी लाल होती है। तीसरी होती है वन तुलसी, जो मुख्य तौर पर वनों में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 6 से 7 फीट तक होती है। और चौथी होती है कपूर तुलसी, जो ज़्यादातर दवाई बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो घर में पाई जाने वाली तुलसी तो दो ही प्रकार की होती है, मुख्य तौर पर लोग दो ही प्रकार की तुलसी अपने घर में लगाते हैं, तो एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। तो चलिए, तो अब तुलसी का हमें रखरखाव कैसे करना है, तुलसी सालों साल हमारी हरी भरी बनी रहे, इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो पर शुरू करवात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पॉटिंग मीडिया की, कि इसका पॉटिंग मीडिया कैसा होना चाहिए। तो जैसा हर पौधे को पसंद है, ऐसा ही तुलसी को पसंद है। तुलसी को भी वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। आप इसको गमले में लगाएं चाहे मिट्टी में लगाएं, तो मिट्टी में तो वेल ड्रेन की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि पानी आता है और वो ज़मीन के थ्रू इसके चला जाता है। अब बात आती है कि हमें गमले में इसकी मिट्टी कैसी रखनी है, क्योंकि गमले में पौधा लगा हुआ है तो उसके लिए हमें 60% गार्डन सॉइल लेनी होती है, 20% इसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, और 20% सैंड मिला लेते हैं। सैंड मिलाने से मिट्टी इसकी भुरभुरी बन जाती है, और भुरभुरी होने से क्या होता है, जैसा आप देख रहे हैं मेरे पौधे की भी मिट्टी भुरभुरी है सारी। इसमें एयर रोटेशन पौधे के लिए रहता है, तो जड़ों को फ्रेश एयर मिलती रहती है और पौधे का बढ़ाव बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये तो रही इसकी मिट्टी की बात। अब बात करते हैं इसको कहाँ रखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका औषधीय महत्व बहुत है, करते हैं कि इसको कैसे स्थान पर रखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका औषधीय महत्व बहुत है, और पौराणिक कथाओं में भी इसके बारे में वर्णन, इसके महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म में इसको देवी के रूप में पूजा जाता है। तो खैर, हम उन सब बातों पर न जाते हुए बात पे आते हैं। इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर हम कंफर्टेबल होते हैं। हम कंफर्टेबल मतलब हमको बहुत ज़्यादा गर्मी हम नहीं झेल सकते, बहुत ज़्यादा सर्दी जब पाला पड़ता है हम उस सर्दी को नहीं झेल सकते। तो इसी प्रकार गर्मियों में इसको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर इसको छनकर धूप आती हो, और जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पाला पड़ने लगता है, तब हमको इसको एक शेडी एरिया में पाले से बचाना होता है। और हम लोगों के घरों में तो आप सबके घरों में भी सर्दियों में इसको एक लाल कपड़े से ढक देते हैं, तो उसके पीछे कारण इसका ये होता है कि इसको हमें पाले से बचाना होता है। तो ये रहा इसके रखने की बात। अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी तुलसी डाईबैक होने का कोई डर होगा, आपकी तुलसी हमेशा हरी बनी भरी रहेगी। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग के लिए। तो गर्मियों में इसको 2 बार वाटर देना चाहिए, एक बार सुबह दे, जब एक बार शाम को दे, जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। सर्दियों में आप 2 से 3 में एक बार इसको पानी दे सकते हैं 3 दिन में। गर्मियों में क्योंकि शाम को थोड़ा सा मौसम नम हो जाता है तो इसको पानी मिलता ही है, इसको मुख्य तौर पर सुबह को पानी देना चाहिए। तो जैसा आपने देखा भी होगा, हम लोग सुबह को जब नहाते हैं तो पहले जाकर तुलसी जी को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, तो नेचुरली और पौधे की डिमांड दोनों मैच करती है। पौराणिक कथाओं में भी यही वर्णन है कि सुबह को तुलसी जी को जल देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा इसकी वाटरिंग की बात। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें फर्टिलाइज क्या करना है। तो दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत साधारण सा बहुत सिंपल सा पौधा होता है, इसको बहुत रखरखाव की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको साल में 2 बार हल्का सा वर्मी कंपोस्ट से फीड करा दीजिए, आपका पौधा चलता रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। तो अब हम अगले विषय पर आते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी जो टहनियाँ हैं, जैसे आप इस पौधे में देख रहे हैं, मैंने आपके लिए इसको रोका था, मैं चाहता इसको पहले भी सही कर लेता, जैसे ये घना ऐसे भी घना इसको बना था, कि हमारी पौधे में नीचे पत्तियाँ नहीं होती हैं। तो दोस्तों, उसके लिए करना क्या, कारण क्या होता है कि आपको इसको समय समय पर प्रूनिंग और पिंचिंग करनी होती है। पिंचिंग करने के लिए क्या करना होता है, आपको सिंपल ऊपर की 4 लीफ लीजिए, ये हो गया पिंचिंग। इसको आप अपने घर में इस्तेमाल सुखाइए, चाय में इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी इस्तेमाल कीजिए। दादी माँ का नुस्खा भी है कि बच्चों को खांसी हो गई है, तुलसी की चाय पिला दीजिए, अदरक डाल की चाय पिला दीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी। और रही बात इसकी प्रूनिंग की, तो इसकी प्रूनिंग के समय आप इसकी कट कर दीजिए। एक मैं शार्प कटर लेता हूँ, ये टहना
इस टाइम थोड़ा हार्ड हो गया है। इस प्रकार से हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। अब ये प्रूनिंग करके पौधा तैयार है। अब थोड़ी देर में ये अपने आप फूट जाएगा, सारा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आपको वरीड होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी प्रोपोगेशन की बात करें कि उगता कैसे, तो ये अपने आप उग जाता है। आपको ये बीज, ये इसको मंजरी भी बोलते हैं, तो ये जब पक जाती है तो बीज बन जाते हैं, बीज ज़मीन में गिरते हैं, तो तुलसा जी अपने आप हो जाती है। ये इस पौधे के साथ ये गमला भी रखा हुआ था, तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया है प्रोपोगेशन तुलसा जी इसके अंदर हो गया है मेरा। बहुत सुंदर सा गमला लग रहा है आपको देखने में। इसी प्रकार जब आप प्रूनिंग करते हैं तो आपका पौधा घना भी बनता है, उसका एक शेप देखने में, अभी आपको देखने में लग रहा होगा क्या पता नहीं एक झाड़ी सा मैंने पौधा खड़ा कर रखा है, तो चलिए आज इसको एक शेप देते हैं। और कटिंग के लिए शार्प कटर यूज़ कीजिएगा हमेशा, और कोशिश कीजिए 45 डिग्री के एंगल पे हो। और कटिंग के लिए विशेष बात ध्यान रखनी होती है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये शूट है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर से करके हमको ऐसे कट लगा देना होता है, बिल्कुल जहाँ पत्तियाँ उसकी जड़ में ना लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस दीजिए वहाँ से उसको अगली ब्रांच निकलने। कुछ दिन पहले मैं देखिए मैंने यहाँ एक इसमें इसको प्रून किया था, यहाँ मैंने इसको प्रून किया था, इस जगह देख रहे हैं आप, इस जगह देखिए दो टहनियाँ निकली आई हैं अब, लेकिन चूँकि लंबा हो रहा है इसको फिर हम थोड़ा सा पीछे से कर देते हैं। तो अब कुछ दिन पहले देखिए मैंने इसको, ये आप देखिए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ भैया, ज़रा इसको जूम करना क्या, मैंने यहाँ से इसको प्रून कर दिया था, काट दिया था, तो यहाँ से इसकी दो ब्रांचेस शूट हो गई, एक ब्रांच इसकी यहाँ से निकल गई, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको अब थोड़ा सा पत्ती के ऊपर से, टहनी के जहाँ पत्ती आ रही है पेयर, इसके यहाँ से इसे कट करेंगे। और जो इसकी मंजरी आती है तो आप वो समय समय पे हटाते रहिए, ठीक है। इसके लिए आप ये नहीं कि मेरे को बीज उगाना है, नया पौधा बनाना है, नया पौधा आपका, इसकी जो मंजरी कुछ होती है अपने आप गिर जाती, जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे पास भी तैयार हो गई। मैं एक और आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, देखिए प्रूनिंग का बेनिफिट देखिए, यहाँ से मैंने कट किया था इसको, आप देखिए ज़रा ये बिल्कुल ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, प्रून किया यहाँ से इसके शूट्स आउट हो गए, इसके नीचे यहाँ पे पत्तियाँ नहीं थी इस जगह पर जब मैंने गया था, तो इसके पास यहाँ पर भी देखिए आप कितने, ये पांच पे, अब ये बड़ा, इसके बड़ा होगा पौधा घना हो जाएगा हमारा। तो घना करने के लिए आप पिंचिंग और प्रूनिंग तुलसा जी को रेगुलर कीजिए, ये रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी आपने जब मैंने आपको पहले पौधा दिखाया था तो आपको लग रहा था क्या झाड़ी सा एक पौधा खड़ा हुआ, अभी मैं आपको इसको दोबारा से एक व्यू दूंगा, प्रूनिंग कर लेते हैं चलिए पहले पूरा। अब पौधे को है ना प्रूनिंग करते समय आप घुमा के देखिए आप अपने अपनी तरफ, और आप खुद आपको खुद एहसास होगा कि अभी कौन सी ब्रांच और प्रूनिंग चाहती है हमसे। तो अब ये प्रूनिंग के बाद तुलसा जी का पौधा, अब ये थोड़े दिन में प्रून करने के बाद अब आप देखिए बहुत घना से मेरा तुलसा जी का बहुत सुंदर सा पौधा हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें तुलसा जी के पौधे के बारे में, और रखिए आप भी अपने घर में इसी प्रकार से हरा भरा भी तुलसी को, बना रहेगा सदा आपके साथ। और जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा पौधा मर रहा है कि जिंदा हो गया है, तो ये जो स्टेम होती है ना इसको आपको यहाँ से काटिए, देखिए अगर यह बिल्कुल सूखा है तो ये नहीं है अब, लेकिन देखिए यहाँ पर ये हरा है इसमें अंदर, तो यानी कि इसमें जान है। तो अब आप इसकी ध्यान, अब आप अपनी तुलसी के पौधे का ध्यान रखिए, पूछिए क्या कमी है तेरे में, मेरे से क्या गलती हो रही है, क्या दूँ। अब आप देखो ये मैंने कर रहा था, देखो यहाँ से देखो ये शूट आउट, ये दिखाता हूँ मैं आपको छोटा सा, देखिए ये इस तरीके से। तो कट प्रून करके पौधा नहीं मरता, और बनाए रखिए अपने पौधे को हरा भरा। और देखो ये पत्तियाँ घर में काम लेना, औषधीय में तो बहुत है, सुखा लीजिए चाय में डालिए, चाय का फ्रेगनेंस लीजिए, ऐसे पत्ते में इस पौधे में बहुत फ्रेगनेंस होता है। तो होप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी, बाय।